पुलिस अधीक्षक अमेठी दिनेश सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम सरोज के पर्यवेक्षण व क्षेत्र अधिकारी गौरीगंज किलोई अर्पित कपूर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज प्रतिनिधि विश्वनाथ यादव थाना मोहनगंज माय हमरा द्वारा मुखबिर की सूचना पर धारा 394, 506, 323 भादवी से संबंधित एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन अभियुक्त अली रजा उर्फ तेरे, शनि सिंह, शिव मूरत सिंह उर्फ नान बाबू को 6:15 पर प्रातः भदमर नहर पुल के पास गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अली रजा उर्फ टेढ़े के कब्जे से 1 अरब चाकू लूट के 1,000 रुपए नकद। अभियुक्त शनि सिंह के कब्जे से 1 अरब चाकू लूट का मंगलसूत्र पीले धातु। अभियुक्त शिव मूरत के कब्जे से 1 तमंचा, 2 कारतूस, 315 बोर व लूट के 1,000 रुपए नकद बरामद हुआ। थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रतिनिधि विश्वनाथ यादव थाना मोहनगंज जनपद अमेठी से, उप निरीक्षक अजय कुमार पांडे, कांस्टेबल राजकुमार यादव, कांस्टेबल सौरभ वर्मा, कांस्टेबल शशिकांत यादव व कांस्टेबल सौरभ अग्रहरी मौजूद रहे। ये 3/8/2020 को एक FIR पंजीकृत हुई थी हमारे थाना मोहनगंज पर, अपराध संख्या 325/20 अंतर्गत धारा 394, 506, 323, जिसमें कि वादिनी ने यह अंकित कराया था कि जब वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर लौट रही थी तो कोटवा के पहले खड़ंजा के पास उसकी बाइक को, उसके पति भी उसके साथ में थे, तीन बदमाशों ने मोटरसाइकिल अड़ा करके उसकी गाड़ी रोक ली और तमंचा दिखाकर और मारपीट करके उससे मंगलसूत्र और 2,000 रुपये 2,500 रुपये छीन लिए। घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीमें सक्रिय की गई, परिणाम स्वरूप हमने आज तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें अली रजा, शनि सिंह, शिमुरत सिंह जो थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली के निवासी हैं, ये तीनों अभियुक्तगण, इनके पास से लूट का माल बरामद किया गया, लूटा गया मंगलसूत्र और 2,000 रुपये बरामद किए गए। इसमें से अभियुक्त शिमुरत का पूर्व का आपराधिक इतिहास है, आर्म्स एक्ट का और मारपीट और SC/ST एक्ट का मुकदमा उसके खिलाफ पंजीकृत हुआ है थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली में। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अपने जुर्म का इकबाल किया और लूटे गए माल की बरामदगी भी कराई। इस टीम को, जिसने इस अज्ञात घटना का अनावरण किया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके लूट का माल बरामद किया, उसको मेरे द्वारा 2,500 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है।